नमस्कार, मैं हूं मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं वर्जन। पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए कथित जासूसी मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने इस मामले को विपक्ष की घिनौनी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश है। इतना ही नहीं, शिवराज ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस जासूसी से भरी पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तत्कालीन यूपीए सरकार में 9000 फोन कॉल टेप किए गए थे। शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस की राजनीतिक ताकत शून्य हो गई है, उसकी जासूसी करके हम बीजेपी का क्या करेंगे। कुछ विदेशी ताकतें और कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता को बचा नहीं पा रही। पेगासस जासूसी मामला झूठ की बुनियादी पर रची गई कहानी है। शिवराज ने कहा है कि संसद का यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण था। गरीबों पिछड़ों को मंत्री पद दिया गया, उनका परिचय संसद में होना था। विपक्ष को यह रास नहीं आया, इसलिए संसद शुरू होने से एक दिन पहले इस मामले को लाया गया। संसद को शोरगुल का ठिकाना बना लिया गया। विपक्ष लगातार देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष भारत की छवि को खराब करने का काम कर रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी देश में कुछ महत्वपूर्ण होना होता है, विपक्ष भारत के खिलाफ माहौल बनाता है और साजिश का हिस्सा बनता है। राहुल गांधी कहते हैं कि आलू से सोना बनता है, ऐसे नेता को फोन टैपिंग करवा कर हम क्या करेंगे। अपने नेताओं की जासूसी करने के कांग्रेस का इतिहास है। शिवराज ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का इतिहास अपने ही नेताओं की जासूसी करने का रहा है। तीन मूर्ति भवन से लेकर एक सफदरगंज रोड और 10 जनपद तक रहने वाले नेता जासूसी से घिरे रहे। इन्होंने जासूसी करने का न केवल देश बल्कि खुद अपनी ही पार्टी में कमजोर किया है। लाल बहादुर शास्त्री की जासूसी इंदिरा गांधी ने कराई। इसके बाद सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव सीताराम केसरी सीताराम की जासूसी करी। अब राहुल और प्रियंका में भी जासूसी का डीएनए है। दोनों कांग्रेस में G23 के नेताओं को निपटाने में लगे हुए। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ को निपटाने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। ऐसे तमाम खबरें अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ पीपल। जय हिंद, जय भारत।